फिल्म आदिपुरुष को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में FIR के लिए एक तहरीर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी हैं। शशि भाई, ये बताइए कि ये आदिपुरुष में क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप लोग FIR दर्ज कराने आ गए? देखिए, दाऊद इब्राहिम जैसे माफियाओं के पैसे पर चलने वाली फिल्म इंडस्ट्री, जो लगातार हिंदू सनातन धर्म की ग्रंथों का, देवी देवताओं का और हमारी जो संस्कृति उसके खिलाफ फिल्म बनाती आ रही है, इसको लेकर के हम लोग तमाम बार सड़कों पे उतरे हैं और अब बारी है आदिपुरुष की। आदिपुरुष नामक जो फिल्म है, इसमें जो डायलॉग है, इसका चित्रण है, इसकी वेशभूषा है और शब्दों का जो घटिया स्तर का चयन किया गया है, और असल जो रामायण थी उससे अलग इस रामायण को प्रस्तुत यहाँ जो किया गया है, इसको लेकर रावण जो इतना प्रकांड विद्वान था, जिसका जिससे लिए राम जी ने स्वयं कहा कि ये इतने बड़े विद्वान थे, उनको मांस खाते हुए दिखाया गया, तो इस तरीके के चित्रण का इसको लेकर के विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं आज कोतवाली में। और उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारी मांग है कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए, देश में मोदी जी इसको बैन करें, क्योंकि सनातन के विरोध में इस तरह की फिल्में बनी हैं और किसी भी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं है किसी अन्य धर्म के ग्रंथों पे या उनके जो देवी देवता हैं जो उनके ऊपर कोई फिल्में बना सकें। तो सारी बेअदबी जो है हिंदू सनातन धर्म के अपमान पे की जाती है, जिससे सनातन बदनाम हो, और जब ये बैन नेपाल में की जा सकती है तो उत्तर प्रदेश और देश में क्यों नहीं की जा सकती है। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। सनातन धर्म के हमारे प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का, भगवे रंग का, सीता मैया का अपमान इस फिल्म में दिखाया गया है। तमाम डायलॉग इतने घटिया स्तर के हैं कि समझ में नहीं आता सेंसर बोर्ड क्या करता है, जो केंद्र के अधीन आता है, सेंसर बोर्ड को इस पे कैची लगानी चाहिए थी, इसको बैन करना चाहिए, उन्होंने किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके कलाकारों को अरेस्ट करना चाहिए, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जिन्होंने डायलॉग लिखे उनको गिरफ्तार करके सनातन के सम्मान को बचाना चाहिए। लेकिन जो अभी तक आदिपुरुष की जो कलेक्शन है वो तो बहुत बेतहाशा है, लोग देखने भी जा रहे हैं। देखिए, हम लोग व्यापारी नहीं है, ये व्यापारियों का काम है कि किसी एक धर्म के खिलाफ बोल सको। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं उनके मोहम्मद साहब के ऊपर, उनके ऊपर पिक्चर बनाओ आप, गुरु नानक देव जी पे लगाई बनाइए फिल्म, गुरु गोविंद सिंह जी बनाए, जीसस पे बनाइए फिल्म, आपको आपकी हैसियत समझ में आ जाएगी दो मिनट में, तो सर तन से जुदा के डायलॉग आना शुरू हो जाएंगे। तो हिंदू सनातनी जो है बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार अपमानित करते रहोगे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं देश के आबो हवा खराब हो रही है, जिस प्रकार उत्तराखंड में देखिए लव जिहाद पे किस प्रकार से वहाँ सारे लोग हिंदू पंचायत को उतर पड़े हैं, लोगों ने अभी एक घटना घटी वहाँ हिमाचल में, वहाँ पर एक घटना घटने पर वहाँ पर जब हिंदू सनातनी को काटा गया तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ हिंदू सड़क पर उतर गया, उसने वहाँ पर लोगों को वहाँ घर जला दिया। अगर इस तरीके के कृत्यों को नहीं रोका गया तो ये आग बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के घर तक पहुंचेगी, ये निश्चित समझ लीजिए। 100 करोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है सनातन, और अगर ये इसका भेजा गरम होगा तो ये जो मटन चिकन खाते हुए जो रावण को दिखा रहे हैं, खिलाते हुए दिखा रहे हैं, ऐसे दृश्य बनना बंद हो जाएंगे अपने आप। तो कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? उत्तर प्रदेश में मैंने मतलब पहले बताया कि मैं चाहता हूं योगी सरकार एक न्यायप्रिय सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास करने वाली सरकार है। हम ये नहीं चाहते किसी भी धर्म का अपमान हो, लेकिन हम अपने धर्म का भी अपमान होते हुए नहीं देखेंगे। लोग हैं फिल्म आदिपुरुष का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, मांग इनकी है कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को बैन किया जाए और साथ ही FIR दर्ज करने के लिए लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में FIR दे दी गई। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।